साल से डोसा ट्राई कर रही हूँ और आज तक जो कभी एक बन गया ढंग का क्या शैतानी कर रहे बिट्टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और विंटर्स स्टार्ट हो गए तो एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे देखो इस बार विंटर कितना ज़्यादा लेट हो गया है ना, और यहाँ भी यही हाल है। बस मॉर्निंग में और शाम को थोड़ा सा ठंडा रहता है, बाकी दिन में तो बहुत गर्मी सी होती है। अमायरा ने सुन लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो आ रही चलते 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 गोलू, तुम मम्मा का साथ नहीं छोड़ते हो कभी भी। और ये ना अभी खड़े होके चलने से डरती है, मतलब एक हाथ उसको दे दो ना, एक फिंगर उसकी होल्ड कर लो तब वो आराम से खड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर उसको डर लगता है चलने में। बेबी कूड़ा देख लो क्या, अच्छा कूड़ा नहीं चॉकलेट है, मुझे लगा क्या इसने उठा लिया। बेबी नहीं, ये डर्टी डर्टी नो, डोंट ईट दिस। तो ये देखो यहाँ पे आ गई है, मैंने सोचा ये कार्टून देख रही, चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। और चढ़ रही है मेरे पर कि ले लो मुझे। हाँ मम्मा ने लिपस्टिक लगाई है ना, इट मीन्स मम्मा इज गोइंग समवेयर है ना। इसको बहुत शक होने लगता है जब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ कि कहीं जा रही हूँ, अब ये यहीं चढ़ के बैठी रहेगी मेरे पर। गोलू आप मम्मा को छोड़ते क्यों नहीं हो बेतू, कितना प्यारा बच्चा है। चलो ठीक है, इसको फिर से छोड़ के आती वही ताकि खेले ना। वहाँ पर देखो पूरा बेडशीट मैंने बिछा दी, सारे टॉयज फैले हुए, लेकिन वो नहीं जाएगी। और हाँ देखो मैं दिखाऊँ मायरा कैसे कैसे चलती है, देखो जा रही है कच्ची 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 कच्ची, चलो 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 चलो, पूरा चलती है, बस इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। मायरा वहाँ पे खेल रही है और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। उसकी डॉल ही अभी तक टंगी हुई क्योंकि पाइप अभी तक खींचती, डॉल देख के भाग जाती है, इसलिए पाइप बचा हुआ, अदरवाइज ये कब का टूट गया होता। कहाँ बैठे जा रहे हो? लो थैंक यू गोलू, थैंक यू। बहुत ही शेयरिंग लड़की है। हाँ थैंक यू सो मच बेबी, यू विल गिव मी एवरीथिंग बेटू। देखो शी इज गिविंग मी दिस आल्सो। ओके उसकी वहाँ पे वीडियो चल रही है ना। अमल तू हंस रही है देख देख के खुद ही को। मेरे घर कुछ बच्चे आए खेलने के लिए अमायरा के साथ, और अमायरा को भी इन बच्चों के साथ खेलने में अच्छा लगता है क्योंकि जैसे कोई बच्चा आवाज़ देता है ना तो अमायरा सुन लेती है, फिर कहती है चलो चलो चलो। तो आज मैंने सारे बच्चों को अपने ही घर बुला लिया कि आ जाओ सब लोग और अमायरा के साथ खेलो आके। और देखो यहाँ पर दिन में जो है बिल्कुल ठंडी नहीं होती, बस सुबह शाम होती है। क्या शैतानी कर रहे बिट्टू? आंटी लाई है आपके लिए प्यारा प्यारा सा, देखो कितने शॉफ शॉफ है। हम तो जब डरे ना पहले, तो लोग है डर तो नहीं रही। कितना क्यूट लग रहा ना इसकी नोच नहीं। बेटू तुमको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ खुरापात करने के लिए। मैंने इसको तोड़ के हटा दिया, वो ढूंढ रही कहाँ खा रही थी इसमें। देखो पूरा मुँह में डाली, इसको मिल ही नहीं रहा कुछ यहाँ। हाँ बहुत अच्छी बुक है। और ये देखो प्यारी सी फ्रॉक लाई है मेरे बेबी के लिए, जब तुम्हारे बेबी का बर्थडे होगा तब पहनेगी। नीतू जो है बेबी के लिए टॉयज तो लेके आई है, उसके साथ ही पानी वाली लिट्टी भी लेके आई जो झारखंड और बिहार की स्पेशल है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके साथ ही चोखा भी लाई है, लेकिन अब उससे बनवा भी नहीं सकते ना कि मेरे लिए और बना देना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है बेचारी, खुद को ही तकलीफ में है ना अभी, तो नेक्स्ट टाइम उससे ज़रूर बनवाएंगे। आज बहुत ठंडी हो रही थी, मैंने मायरा को फुल कपड़े पहना दिए हैं। सौम्या भी आई हुई है, यहाँ पे खेल रही है, सारे टॉयज को फेंक रही है। अब नहीं फेंक रही, रखने लगी। अमायरा सौम्या सब लोग खेल रहे हैं और अमायरा कम ही खेल रही है क्योंकि उसको फीवर जैसा लग रहा है ना, तो मैंने उसको फिर से ठंडे वाले कपड़े पहना दिए, मीन्स मोटे कपड़े पहना दिए हैं। और सौम्या के जाने के बाद मैंने उसको दवाई वगैरह दे दिया, थर्मामीटर से उसका फीवर चेक किया था, तो थर्मामीटर वो खेलने भी लगी और यहाँ पे वो चुपचाप लेटी हुई है। मायरा को फीवर था तो मैंने उसको दवा दे दिया था, अभी फीवर थोड़ा कम हुआ है तो खेल रही है। और मैंने ना नीचे यहाँ पे बेडशीट जो है डबल करके बिछा दिया है क्योंकि ना फर्श जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उसको सर्दी वगैरह हो सकती है, तो मैंने ऐसे कर दिया और उस पर अच्छे से वो खेल रही है ना बेटू। ओह मेरे पास आने लगा, उसको
रात में जब टच किया तो मुझे बहुत गर्म सी लग रही थी, बट मैंने सोचा शायद मैंने इसको थोड़ा सा उड़ा दिया है इस वजह से शायद गर्म हो गई होगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखो इसको फीवर लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं सो रही है इसी वजह से ऐसा होगा। तो मैंने सोचा ठीक है हो गया होगा शायद। और फिर उसके बाद जब दोपहर में अभी मतलब हो गया और इसका फीवर ही नहीं उतर रहा, बहुत गर्म गर्म से अभी भी गर्म लग रहा बिल्कुल पूरा बॉडी सर और सब। तो फिर मैंने जो है चेक किया टेम्परेचर तो 99.5 था। मैं तो डर गई, मैंने कहा पहले क्यों नहीं मैंने चेक किया था, मतलब मैंने पहले किया था तो 98.3 था, तो मैंने कहा अच्छा नॉर्मल ही होता है 98.6 तक। तो मैंने मेडिसिन नहीं दी, फिर जब देखा इतना फीवर मैं बहुत डर गई, फिर दवा दिया और फिलहाल उसने पी लिया अच्छे से दवा, शायद अब कम हो जाएगा जल्दी से। क्या अभी तो उठे हो निन्यालिए, इस पे खेलो सॉफ्ट सॉफ्ट है, मम्मा ने आपके लिए बिछाया है, आपको तो मम्मा की ही गोदी में चढ़ के रहना है। ओ, वही पसंद आता है मम्मा की गोदी। ओ, और कुछ नहीं पसंद आता है, कुछ भी कर लो गोलू के लिए। बाबू कहाँ जाओगे? इधर उधर सब देखती रहती है। बेबी थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो रही थी तो मैंने सोचा इसको नीचे तो नहीं ले जा सकते क्योंकि ठंडी भी हो रही ना और उसको तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं घर में उसके साथ डांस कर रही हूँ मस्ती कर रही हूँ और उसको भी अच्छा लग रहा, थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रही है। आज मैं डोसा बनाने के लिए बस थोड़ा सा बैठे ट्राई कर रही हूँ ना कि कैसा बनेगा। मसाला तो बन गया, देखो कितना टेस्टी सा है। एवरीबडी सेज प्रैक्टिस प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट, बट मैं यहाँ 4 साल से डोसा ट्राई कर रही हूँ और आज तक जो कभी एक बन गया ढंग का, मतलब मैं इतना परेशान हो गई हूँ। और मुझे डोसा इतना पसंद है बट क्या करूँ, इडली मतलब मुझे पसंद नहीं, वो ईजी होता है बनाना ना, तो अब मैं फिर भी दिल पे पत्थर रख के ट्राई करती हूँ कि शायद अब बन जाए मुझे, बट इट विल नेवर कम आउट, आई नो इट वेरी वेल। और मुझे इतनी गुस्सा हो रही है कब बनेगा मेरे हस्बैंड डोसा। सब लोग कहते बहुत ईजी होता है, मेरा तवे से उखड़ता ही नहीं पूरा फट जाता है। कैसा हो गया, कोई डोसा होता है? इसीलिए छोटू से बनाया था मैंने। हम अपने हस्बैंड को देने जा रहे शर्म आ रही देते हुए, बट क्या करूँ यही देना पड़ेगा इनको। ला रहे हैं डोसा आपके लिए। थोड़ा रिएक्शन दिखा दो कैसा दे रहे हैं। रहने दो वो तो बनाने को, खाने के बाद तो वैसे भी चिथड़े हो जाने हैं इसके, तो मैं पहले ही चिथड़े कर दूँ। देखा ना इनका रिएक्शन कैसा था। एज यूजुअल हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि मैं हमेशा इतना गंदा ही बनाती हूँ। चलो लेट्स ट्राई मोर, देखते हैं कैसा बनेगा क्योंकि मुझे अभी तो खाना है, भूख लगी है। नीतू का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने ये मिर्चियाँ बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है और खट्टी और नमकीन, मतलब सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं। हमारा पीछे से आ गई भागते भागते, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो देखो मिर्चियाँ तो हो गई हैं लगभग, बस इसमें मैंने बस मसाला ऐड कर दिया है और देखो मिर्चियाँ जो रेडी हो गई। मेरे मुँह में ना पानी आ रहा बोलते बोलते क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बना लेती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ज़िंदगी में जितनी बार भी ट्राई कर लूँ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, जैसे कि लाइक डोसा। पापा जी को खिला दो बेटू, पापा जी को खिला दो, आ बेटू। मम्मा को नहीं पापा। हुई हुई वेरी गुड, इत्ता बला ओली वाह भाई, वेरी गुड ओली ओली ओली। अब मम्मा को खिला दो बेटू, ठीक है? लाओ देखो मेरे पास आएगी जानेगी, मुझे जानती है। मम्मा को खिला दो बेटू, मम्मा को। उसका पापा ही ज्यादा प्यारे हैं। मम्मा को खिला दो बेटू, कटोरी में रह ही नहीं गया है। मम्मा मम्मा को खिला दो बेटू, मम्मा अपनी तरफ बोलो, मुझे खिलाओ। अरे वाह, अरे वाह बेटू, इतनी ज्यादा नमकीन है बेटी, समझ नहीं आ रहा बाबू कितना खिलाए मम्मा को। मम्मा बाबू पापा को ही खिलाना होता है क्या? बाबू बाबू मैं भी हूँ इस दुनिया में, लिपस्टिक लगा के आ गई।